हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू जीरा रेसिपी। तो तेल हमारे यहाँ गर्म हो चुका था, उसमें हमने जीरा डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दिया। हल्दी को अच्छे से ये भून चुकी है हमारी हल्दी, और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू कटे हुए। आप ये मैंने लंबे लंबे काट के डाल दिए हैं, और आप जैसे मर्जी भी काटना चाहो वैसे काट के बना सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स हो गए ये। और फ्रेंड्स, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, तेल में ही पकाएंगे, तो तेल थोड़ा ज़्यादा है, प्लीज़ इस बात को मत कहना। इसमें डाल दिया हमने, इसी तेल में हम थोड़ी हरी मिर्च फ्राई करेंगे। तो ये हमने हरी मिर्च इसी तेल में फ्राई करने है, इसलिए हमने आलू को थोड़ा साइड कर दिया है। तो जब हमारा हरी मिर्च फ्राई हो जाए तब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे हम गैस को कर देंगे कम, और एकदम कम गैस पे ही हम इसे पकाएंगे। तो हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसे हम ढक देंगे। अब 10 से 15 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हो हमारी सब्जी बन के रेडी है। तो हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी है। गैस को कर देंगे हम बंद। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।